नागपुर में दत्ता जी डिडोलकर की जन्म शती समापन समारोह का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री और स्थानीय सांसद नितिन गडकरी के साथ ही संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत शामिल हुए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संस्थापक सदस्य और मद्रास प्रांत के संघ प्रचारक रहे। डिडोलकर की जन्म शती के मौके पर इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विद्यार्थी परिषद और संघ से जुड़े लोग शामिल हुए। गडकरी और भागवत ने वहां मौजूद लोगों को संबोधित किया, कहा उनके सपनों के भारत को हमें हर हाल में मिलकर पूरा करना है। ऐसे कितने कार्यकर्ताओं पर पुत्रवत प्रेम किया और उनमें कार्यकर्ताओं को स्वीकारते समय जो उदारता थी और उनकी ह्यूमन रिलेशनशिप बराबर की दोस्ती रहती थी। एक सामान्य व्यक्ति करके उनका स्वभाव था, उनका व्यक्तित्व था, पर असामान्य गुणवत्ता के वो धनी थे। और वो असामान्य गुणवत्ता के केवल धनी नहीं थे, तो अपने साथ आए हुए सामान्य कार्यकर्ता को निर्माण करके उसको असामान्य बनाने की क्षमता उनमें थी। दत्ता जी जब नागपुर में थे तो मैं भी यहां छात्र था। बाद में नागपुर का प्रचारक इस नाते आया तो 14 साल, उसमें से बहुत सारे संबंध। दत्ता जी एक हमारे ज्येष्ठ कार्यकर्ता, इस प्रकार से उनके साथ संबंध आया। इसलिए जो गुणवत्ता उनकी यहां पर वर्णित हुई है वक्ताओं के द्वारा, उन सबका प्रत्यक्ष अनुभव मैंने भी लिया है। उनके ऊपर जो पुस्तक लिखी गई आधार वर्ड ऐसा उसका नाम, अत्यंत समर्पक नाम है। निश्चयाचा महामेरू बहुत जनांसी आधारू अखंड स्थितीचा निर्धारू श्रीमंत योगी। तो ऐसे दो व्यक्तित्व उस समय नागपुर में थे, एक बापूराव जी वराड़ा पांडे, दूसरे दत्ता जी।